जब देखो फेसबुक पर लगी रहती है। अरे क्या हुआ तुम्हें, चिल्ला क्यों रही हो मम्मी? खाने में मेरी मदद तो कर दिया करो। लगाती हूँ। ओह माय गॉड मम्मा, जब देखो फेसबुक पर लगी रहती है। मैं फेसबुक पे नहीं थी मम्मी, काम कर रही थी। जो भी कुछ है कंप्यूटर पर तो बैठी रहती है ना। आप आ रहे हैं या इन्विटेशन कार्ड छपवाऊं? काव्या फोन है तुम्हारा? हाँ देखती हूँ। ये लड़की हाँ बोलो ठीक से नहीं कर सकती। तुम्हारे सामने थे? गुड। हाँ ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। पाँच मिनट। ओके ओके बाय बाय। कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं जाओगी। ओके पहले पापा जिंदगी भर ये करते रहे और अब बेटी ने भी शुरू कर दिया है। ये टाइम है लड़की के घर से बाहर जाने का? एक जर्नलिस्ट को अपना नाम अखबार में छपवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बड़ा काम होता है ये। बेटा यू गो। थैंक यू पापा एंड डोंट वरी विकी साथ में है। बिग स्कूप शायद वेरी वेरी बिग। हाँ ठीक है ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। रुको विकी चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। बता जाना कहाँ है? लीडो बार। छूले पलकों को जरा मुझे मुझसे चुरा ले खुद में तू यूं छिपा ले मुझको न हो मेरा पता। रात भर प्यार की आज बारिश तले जिस्म से रूह तलक आज हम भी गले। हो क्या खबर है? जस्टिस एल के शुक्ला का ड्राइवर आया था, कह रहा था एक सीमेंट फैक्ट्री के मालिक से मीटिंग है। सीमेंट इन ड्रामा शायद यही नाम था। थैंक यू। ओके और मीटिंग कहाँ है? होटल रेडी सर। हेलो होटल रेडी सर, आई एम रश्मि दास फ्रॉम कोलकाता। व्हाट टू बुक अ रूम या लैंडिंग? मॉर्निंग मैम, आई एम रश्मिदास। फिल दिस फॉर्म प्लीज। यस सर। ये पेपर्स जस्टिस एल के शुक्ला यहाँ पर ठहरे हुए, मुझे डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं। उनका रूम नंबर क्या है मैम? एक काम कीजिए आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, आई डिलीवर दैट। ये 621 में दे देना। ओह आई एम सो सॉरी 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 सॉरी। गुड जॉब। कौन है? आपका हस्बैंड। ओह मेरा हस्बैंड। आई थिंक और आगे। हियर इट इज। या अब दिख रहा है
फिर वो कितनी बार बोला है जॉगिंग करते समय मुझे रोका मत कर, क्या है? पापा जी का फोन है। गाड़ी में बैठ। जी पापा। मैंने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया है, जीरो से शुरू किया था मैंने, और आप बनी बनाई कंपनी को मिट्टी में मिला रहे हैं। न्यूज़पेपर घूरते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? सॉरी पापा, मैं कुछ करता हूं। दिस इज नॉट योर ब्लडी होमवर्क सिड कि सॉरी बोला दोबारा करने लगे। दिस इज बिजनेस। खुद अपने हाथों अपनी कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया है तुमने। सॉरी पापा, फिक्स इट। मुझे लगने लगा है कि सिर्फ तुम्हारी जुबानी नहीं, तुम्हारी अकल भी हकलाने लगी है। अगले 12 घंटे में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कल से ये कंपनी तुम्हारा भाई हैंडल करेगा। और जैसे कॉलेज में हर महीने तुम्हें पॉकेट मनी मिलती थी, अपनी माँ से ले लेना। I hope I'm clear. Yes, Papa. सी गुरुनाथ, हाई लेवल इंक्वायरी तो होगी, जज भी इन्वॉल्व है और एक्सपोज हो चुके हैं, साथ में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी, लेकिन हम बच सकते हैं अगर आप चाहो तो। कैसे? आपको एक स्टेटमेंट देना होगा कि यह सब आपका किया हुआ है, मतलब कि यू एक्टेड ऑन योर ओन इंडिविजुअल अकॉर्ड, और कंपनी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। व्हाट? देखिए गुरुनाथ, शाम के निकल जाने के बाद लाठी पीटने से कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप 15 दिन के लिए अंदर जाएंगे, पूरा लीगल डिपार्टमेंट लगा दूंगा आपके केस में। दो हफ्ते में आप बाहर होंगे। And now I'll make my offer to you. अगर आप ये सब अपने सर ले लेते हैं तो आज की डेट में जो सैलरी ले रहे हैं आप सारी जिंदगी लेंगे बिना कुछ काम किए। आप इतना सोच क्यों रहे हो गुरुनाथ? इट्स अ गुड ऑफर। Cheers to you, Kavya. नहीं यार, cheers to justice, L.K. शुक्ला. देख देख देख, क्या? ये गुरुनाथ है ना टीवी पर? हाँ, CEO Symantec Infra. He's talking to the media. क्या बोल रहा है? मैंने अपनी गलती को कबूलते हुए ये स्वीकार किया है कि ये सब कुछ मैंने किया था. ये तो होली का नारियल निकला यार. What? होली का नारियल? और तुम लोग हंस रहे हो? देखना ये सब के सब साले बच जाएंगे। I like this. होली का नारियल। होली नहीं। शेयर यार। इस देश में कुछ नहीं हो सकता। Thanks. कौन? वही जिसकी कंपनी को आपने बर्बाद किया और साथ ही साथ बहुत बड़ी बर्बादी से बचाया भी। Please. मैं क्रॉसवर्ड और पजल्स में ज्यादा अच्छी नहीं हुआ। इस पजल को सिद्धार्थ धनराजगीर कहते हैं। We'll be right back.
ये कहाँ चली गई? Yes, sorry. सिद्धार्थ धनराजगीर. Have a coffee with me. Coffee? Now? Sorry, it's too late. आज नहीं, कल. My office. मुझे हिल्टन की कॉफी शॉप ज्यादा पसंद है. आपको पसंद है तो अच्छी ही होगी. तो कल मिलते हैं 12 बजे. 3 बजे. Okay, I'll see you there. See you. Oh, sorry, ma'am. Oops. Hi. Hi. Thanks. I'm Siddharth. Yeah, of course. तो क्या लोगी? Definitely coffee. They make lovely Turkish coffee. Two Turkish coffees, please. Right, sir. Right. Yeah. जब मैंने इस कंपनी को टेक ओवर किया तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा अगर दुश्मन कमाल का होना तो उससे दोस्ती कर लेना. हाँ, इसमें फायदा तो नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ओके, तो आप अपना रिस्क कम करने के लिए मुझे यहाँ कॉफी पिलाने लाए? जो स्टोरी तुमने की, जिस तरह से फोटोज ली, उसके लिए टैलेंट चाहिए जो तुम में है. और तुम्हारे इस टैलेंट से मैं लड़ना नहीं चाहता, बल्कि आई वांट टू यूज इट. मैं तो लोगों का नुकसान ही करती हूँ, दैट्स माय जॉब. और मैं बिजनेस करता हूँ, दैट्स माय जॉब. मैं सिर्फ फायदे की सोचता हूँ. तो इसीलिए तुम्हारे सामने एक ऑफर रख रहा हूँ. मतलब? सर, कॉफी प्लीज. कैसा ऑफर? मेरी कंपनी में नौकरी. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, न्यूज़पेपर में काम करती हूँ. आप सीमेंट बनाते हो? ईस्ट एंड वेस्ट. काव्या, तुम्हें सिर्फ सच्चाई पसंद है या सच्चाई से पर्दा हटाना? डेफिनेटली सच्चाई से पर्दा हटाना. मेरे इस ऑफर में मेरी भी खुद गर्जी है. यू आर ऑनेस्ट, डायनामिक, क्रिएटिव. मेरी कंपनी को तुम्हारी जरूरत है. काव्या, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी पसंद का काम भी करते हैं और उसका पैसा भी मिलता है. जो तुम सैलरी ले रही हो उससे 2 गुना, 3 गुना, एक्चुअली व्हाटएवर यू वांट. ऑब्वियसली गाड़ी, फ्लैट एंड अदर पर्क्स. नॉट गुड. कॉफी गुड. वो काम ऑफर नहीं कर रहे, पैसे ऑफर कर रहे. हम काम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए ना. हाँ, सीधे सीधे बोल, क्या सोचा है तूने? यही कि ऐसा मौका भी बार बार नहीं मिलता और जर्नलिज्म को भी बहुत मिस करूंगी. सिर्फ जर्नलिज्म को मिस करोगी? अब तू सीधे सीधे बोलना कि तू नहीं चाहता मैं ये नौकरी ले लूं. ए, क्या कर रही है? अरे ओके ओके ओके, सॉरी. तुम्हें भी बहुत मिस करूंगी. जर्नलिज्म से दूर जा रही हूँ, तुमसे नहीं. एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. तूने फ्रंट पेज भी मार लिया और इतनी अच्छी नौकरी भी. आई विश यू द बेस्ट ऑलवेज. थैंक्स. और ये तुम्हारे लिए. अरे, इसने हमेशा मुझे अच्छा वक्त दिखाया. एंड आई होप कि ये तुम्हें भी हमेशा अच्छा वक्त दिखाएगी. थैंक्स.
अभी आई श्योर तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है यस बॉस आई मीन योर कॉन्ट्रैक्ट इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी डोंट वरी बॉस वी विल गेट द कॉन्ट्रैक्ट लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी किसी और को दे दिया है तो कैसे होगा मुझ पे भरोसा नहीं है मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे पूरा भरोसा है थैंक्स 240 करोड़ का फर्क है आपके और यूनिवर्सल सीमेंट के कोर्ट में और आप अब भी मुझे ये कह रही हैं कि वो लोग हमें लूट रहे हैं हाँ द लॉजिक इज वेरी सिंपल मिस्टर जैन यूनिवर्सल सीमेंट सिर्फ एक साल पुरानी कंपनी है इनके प्रमोटर्स एक बैंकक्रप्ट सीमेंट कंपनी आजीवी सीमेंट्स के स्टेक होल्डर्स है आजीवी सीमेंट्स इंटरनेशनल मार्केट से ब्लैकलिस्ट होने के बाद बंद हो गई है एंड जो सीमेंट आपको 25% सस्ते में मिल रहा था एक्चुअली वो मार्केट में कोई फ्री में भी नहीं खरीदेगा हियर इज द प्रूफ आजीवी सीमेंट एक बिकी हुई बैंकक्रप्ट कंपनी है हियर प्लीज देखिए मिस्टर जैन आप अगर यूनिवर्सल सीमेंट के साथ थोड़ा और निगोशिएट करेंगे तो ये 25% और भी कम कर सकते हैं यू नो शायद 50% भी मिस काव्या यस सर एंड मिस्टर धनराज गिर वी विल गेट बैक टू यू यस मिस्टर जैन श्योरली थैंक यू सर ओह सर या काव्या वो कॉन्ट्रैक्ट वी गॉट इट Really? Oh! I'm so sorry. Well done, Kavya. Very well done. अब जल्दी से तैयार हो जाओ. कहाँ? I'm taking you out for dinner. 5 minutes. Okay. See you. Let's dance. Are Dil ye bezuban kehta bas aa meri jaan mujhko odh le tu khud pe ab zara mere होश में तू दुनिया भूल जा चेहरा तेरा दिल में माहे जा ओ, 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 तू अम्र मन बरस जा माहे जा दिल कहता पास आ मेरी जान
सी ख्वाहिशों को दरिया एक मिला है दोनों के लबों पे आके हम गया है चेहरा तेरा दिल में माहे जा तू अब्र बन बरस जा माहे जा देखिए आई हैड अ ग्रेट टाइम बस पॉकेट में पैसे होने चाहिए अच्छा क्या जगह है शॉपिंग के लिए और आपका नया बॉस कैसा है ही इज सो चार्मिंग अंडा खाएगी नहीं ये जीन्स है तुम्हारे लिए मेरी चॉइस की है सो यू विल लव इट ये पेन बहुत महंगा है सो यू बेटर लाइक इट और ये एक बुक रोमांटिक है ताकि तुम इसे पढ़ो और थोड़ा सा इंस्पायर हो जाओ अरे अच्छा लगा सब कुछ कि नहीं बहुत अच्छा है रोमांटिक नॉवेल आई गॉट टू गो चलो बाय टेक केयर सी यू कैसी है महंगी है सिडनी लेके दी Oh, Vicky, I'm so happy. I can see. Chalo, bye. See you. Bye. My card is not working. Kavya, your card is not valid. Not valid? Dusra de do. Tumhara card issue karne ki permission nahi hai. What? Mujhe kuch nahi sunna hai. Just stop all this. Move. Ma'am. I can't allow you. Jasleen, aane do use. Sid. See? I told you. What's wrong with them? Oh, Sid. Tumhari PA keh rahi thi ki मैनेजमेंट ने मेरा सिक्योरिटी का टर्मिनेट कर दिया है व्हाट्स गोइंग ऑन बुरी खबर की सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके बारे में यह खबर हो उसे आखिर में पता चलता है जैसे मुझे पता चला मेरी कंपनी के स्कैंडल के बारे में तुम्हारा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही Sid, it's a joke, na? Huh? Joke to nahi hai, but I do find it quite funny. Who fuck with me? Nahi, nahi, Sid.
जानती हो ये बंदूक मैं अपने पास क्यों रखता हूँ? ताकि मैं खुद को ये याद दिला सकूं कि बदला लेने का सबसे आसान तरीका मेरे सामने है। गोली मार दो और बात खत्म, है ना? इट्स सिंपल। मौत से बदतर और भयानक चीज और दे भी कह सकता हूं मैं तुम्हें। सो दिस इज माई इंस्पिरेशन। किसी की जिंदगी तबाह करनी हो तो उन्हें जिंदा रखना जरूरी है। मौत तो तबाही से बचा लेती है। देखो, अपने आप को देखो, तुम्हें क्या लगा एक स्टिंग ऑपरेशन मेरी कंपनी को बदनाम कर देगा? लुक एट मी, लुक एट मी। एक बात याद रखो काव्या कृष्णा, आई एम सिद्धार्थ धनराज गिये एंड नोबडी फक्स विद मी। नाउ गेट द फक आउट ऑफ माय ऑफिस। Fuck off. दिल कांच सा तोड़या, दिल कांच सा तोड़या, दिल कांच सा तोड़या, दिल टूटे तो जावे ना जोड़या। मेरा दर्द ना तू पहचाने, इनू चोट लगे पाया मौल मेरे इश्क दा। दिल कांच सा तोड़िया, दिल कांच सा तोड़िया। व्हाट हैपेंड? काव्या, 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 कॉन्ग्रेट्स, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ओ, एक तुझ पे था भरोसा, तू जुबान से फिर गया। मुझ पे तो आसमां सा कोई जैसे गिर गया। तेरे कदमों पे था रखा मैंने ये जहां, ठुकराया तूने मुझको, मेरी जान चली ना जावे। एक तेरे बाद
Kavya, stop! Kavya, come back! Kavya! Kavya Krishna, यहाँ तक पहुँच गया। मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। क्या बात है, इतने दिनों बाद कोई खबर नहीं, फोन नहीं। आज के बाद एक दिन तो क्या, एक मिनट भी नहीं भूलोगे मुझे। तुम्हें याद रखने की इतनी भी कोई वजह नहीं हो सकती। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी दौलत का। अगर आधी में छीन लूँ तो। Really? मेरे सर का एक बाल नहीं ले सकती है तू, मेरी आधी दौलत क्या छीनेगी? सिद्धार्थ धनराजगीर, बस सर का एक बाल ही काफी है एक डीएनए टेस्ट के लिए। तुम्हारा प्रॉपर्टी, पैसा, घर, सबका आधा वारिस मेरे पेट में है। आई एम प्रेग्नेंट। हेलो काव्या, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाउ डेयर यू कॉल मी। प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो। हम जिन हालात में मिले वो एक मजबूरी थी। तुमने मेरा नुकसान किया था और मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था, तो मैंने बदला ले लिया। फेयर इनफ, वन ऑल। लेकिन जिंदगी बदले और बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब हमारे बीच एक ऐसी जिंदगी है जिससे हम दोनों की दुश्मनी नहीं है। I want to apologize. Kavya, I'm really sorry. I really am. Kavya, are you there? God. कहाँ हो तुम? I'm sorry. मैंने क्या कहा था तुमसे? I'm Siddharth Dhanrajgir and nobody fucks with me. ले जाओ इसे। चल भाई चल। चला उठ, ओए उठ, अरे उठ, 24 घंटे हो गए तुझे पड़े हुए।
चल अब उठो और निकल यहाँ से, बेड किसी और को चाहिए। और ये ले ये पैसे, वो लोग दे गए तेरे लिए, निकल यहाँ से अब। एक पल में दे गया तू सदियों का फासला, सपनों का मेरे मंजर दरारों से भरा, कुछ है जो मेरे हाथों की लकीरों से गिरा। रब वो ही यार मिलावे जो छट के कले ना जावे, रब वो ही यार मिलावे जो छट के तोड़ा। चलिए मैडम उतरिए, उतरो मैडम, लास्ट स्टॉप आ गया। दिल टूटे तो जावे ना जोड़े। कहाँ से बोल रही हो तुम? मुझे क्या हुआ था विक्की, मैं मर गई थी ना? मेरी आंखों में देख के सच बताओ, क्या हुआ था मुझे, बोलो। तुम अब कभी मां नहीं बन सकती काव्या। यू वर ऑलमोस्ट डेड, तुम मौत के मुंह से वापस आई हो काव्या। कब करोगी पैकिंग? बेटा तुम्हारा सारा सामान वैसे का वैसा ही बिखरा पड़ा है। सबको पता चल चुका है, लोग कैसी कैसी बातें बनाने लगे हैं। यहां क्या करोगी?
कैसे जिंदा रहोगी? काव्या, अब दिल्ली में रहना ठीक नहीं। चलो बेटा। माँ, शहर बदलने से मेरा शरीर तो नहीं बदलेगा। तो हम समझ ले, हमारी काव्या जो हॉस्पिटल गई थी वो वहां से वापिस ही नहीं आई, मर गई। मम्मी पापा ने तो कह दिया मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। क्या तुम्हारे लिए जिंदा हूँ? नहीं है भाई जी, निकलवा उसे, निकलवा, हट मुंह है, चल कहां कहां रख के आ जाते हैं, चल हट, चल जा, निकल। हेलो, ये आइटम कहां से आई है? कौन है तू? अंदर आ। क्या चाहिए तुझे? आपकी कोठी की सबसे महंगी रांड। हाय मोई, क्या क्या मांगने आ जाती है? क्या बात कर रही है? देखो, इधर आ। तू क्या करेगी उसका? आप बस ये सोचिए कि इस पत्थर का आप क्या करेंगे। भैरवी के पास भेज दे इसको। हाय हाय, वो मुई भी तो अपने फार्म हाउस गई है। लिख भैरवी का नंबर। Thank you.
बहुत लोग देखे हैं, लेकिन ये पहली बार देख रही हूँ. Pass me the cream. करना क्या है? मैं तुमसे सीखने आई हूँ. सीखने? स्कूल के बहुत लड़के आते हैं मेरे पास सीखने, लेकिन तुम्हें क्या सीखना है? मैं शहर की सबसे बड़ी रंडी बनना चाहती हूँ. सिखाओगी? पढ़ी लिखी तो लगती हो, किया भी होगा. Sex is natural. हाँ, sex किया है, लेकिन सिर्फ उससे जिससे प्यार किया है. मैं तुमसे ये सीखना चाहती हूँ कि जिसके साथ प्यार ना हो उसके साथ सेक्स कैसे करते हैं. Shake it. Take it. And fake it. अगर तुम्हें मेरे जैसे बनना है तो सबसे पहले ये कपड़े बदलो. कहाँ जा रही हो? चेंज करने. मेरे सामने कपड़े उतारने में शर्मा रही हो? तो मर्दों के सामने कैसे उतारोगी? कुंवर राजदीप सिंह. वाओ, ब्रिलियंट शॉट राजदीप, ब्रिलियंट, सुपर मैन. 11th होल आई थिंक इज अ रफ पैच. गुड, दैट वाज फन. आई थिंक वी हैड अ ग्रेट गेम. इट वाज फैंटास्टिक डे. कीप मी कॉल इन द इवनिंग. So maybe next Sunday? Sounds yeah? great. Yeah, thanks. See you. What's happening? Excuse me? Hello? What is this? I mean, can't you see? What is this? I mean, you...
so sorry. मैंने recently driving सीखी है, पर लगता है मुझे parking करना कभी नहीं आएगा. No problem. आप सोचते हैं कि आप मेरी गाड़ी को बिना डेंट मारे अपनी गाड़ी को reverse कर सकती हैं? I mean, if there's a problem, I can. You can do it for me. आप करोगे? Of course, I'll be grateful. Thank you. No problem. क्या मेरे फेस पे कुछ है? कुछ लगा हुआ है? Oh my God. आप राजदीप सिंह, कुंवर राजदीप सिंह है ना? आप मुझे जानती? राजदीप सिंह. I am अहमदाबाद. Class of 97. Fellowship at Stanford. Ex-VP Morgan and Stanley. Then VP Hong Kong and Shanghai Bank. And now, CEO Semantic Infrastructures. Surprise? Wow. You won't believe. मैं आपको बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ. पीछा नहीं, सिर्फ आपके करियर को. बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी. Can I click a picture with you? Sure. Thanks. You know, मैंने क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स के फैंस के बारे में सुना था, लेकिन एमबीए का फैन, दैट्स अ फर्स्ट. स्माइल प्लीज. नाइस पिक्चर, राइट? यस, वेरी नाइस. थैंक्स फॉर दिस. प्लीज, प्लेजर. थैंक यू. यू आर वेलकम. बाय. 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 सी यू. एक्सक्यूज मी, मैं फैन का नाम जान सकता हूँ? काव्या कृष्ण. इट्स अ ब्यूटीफुल नेम. आपको बहुत सूट करता है. मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं? ओह गॉड, नहीं. यू सी, जब भी कोई लड़की कहती है कि मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, मुझे बहुत डर लगता है. तो नहीं पूछूं? नहीं, प्लीज पूछिए. आई विल टेक माय चांसेस. तो फिर आप मुझे बताइए कि आपके साथ मेरे वाइन पीने के चांसेस क्या हैं? डिनर इज रेडी राज. मैं तो बाहर जा रहा हूं ना डिनर पे इस वक्त. अरे, तुमको बताया तो था कि मैं बाहर जा रहा हूं. बताया था कब? तुम दवाइयां ले रही हो ना? हाँ, दवाइयां ले रही हूँ. आई डोंट थिंक सो. मैंने तुमको एक घंटा पहले ही बताया था कि मैं बाहर जा रहा हूं, तुमको याद भी नहीं है. लेट मी चेक. ये क्या, तुमने दो दिन से दवाई नहीं ली? What is this, Archana? Come on, you have to be careful. You know how important it is, huh? रोज तो दवाई का ख्याल आप रखते थे ना, बहुत बिजी हो गए हो आप. Come on, baby.
ये सब क्या चल रहा है काव्या? मैं कुछ पूछ रहा हूं। झूठ मैं कहना नहीं चाहती और सच तुम सुन नहीं पाओगे। दोस्त हूं मैं तुम्हारा, हक है मेरा सब कुछ जानने का। प्लीज विकी, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस, प्लीज। क्या? डोंट गेट इन्वॉल्व्ड? आई एम इन्वॉल्व्ड काव्या। What the hell is going on? मैं राजदेव सिंह के साथ थी। What? पूरी रात एक बिस्तर में naked. I fucked him to fuck Siddhartha Rajgir. क्या? क्या कहा तुमने? मैं सिद को बर्बाद कर दूंगी, पहले उसके घमंड को, फिर उसके बिजनेस को, और आखिर में उसको। I'll finish his empire, brick by brick. सुन लिया? Satisfied now? एक चाइनीज कहावत है काव्या, जब किसी से बदला लेने की ठान लो तो एक नहीं दो कब्र खोद लेनी चाहिए। मरे हुए लोग कब्र से नहीं डरा करते विकी। Excuse me, ये जेंट्स बाथरूम है और सिगरेट भी अलाउड नहीं है। मैं वो हर काम करती हूँ जो मना है मिस्टर देशराज टंडन। How do you know my name? Chairman and Managing Director Delhi Cements, right? Right. आप कौन? मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी कंपनी पे ताला लगने से रोक सकती है। What nonsense? कौन हो तुम? सिर्फ एक मिनट, ध्यान से सुन लीजिए। सीमेंटेक इंफ्रा एक जर्मन कंपनी एचसीएल दीगो के साथ जॉइंट वेंचर कर रही है। अगर ये डील हो गई तो सीमेंट के दाम 30% गिरेंगे और आपके कंपनी के शेयर्स 100%। और ये इसलिए होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम है। गवर्नमेंट, एचसीएल, सीमेंटेक सब मिले हुए हैं। और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो स्टील को और स्कैम को फ्रंट पेज न्यूज बना देगी। बहुत अच्छा, तो बनाइए न्यूज। ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? मुझे जिसका नुकसान करना है वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन इससे आपको बहुत फायदा होगा। इस पेपर में पूरी डिटेल्स है और मुझे लगता है 4 करोड़ रुपए बहुत मामूली रकम है इस इंफॉर्मेशन के लिए भी और आपके लिए भी। चलो मान लिया कि सारी बातें सही हैं। इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके
मैं तुम्हें 4 करोड़ रुपए ना दूं तो? मिस्टर टंडन, घटिया लोगों की पहचान है मुझे, इसीलिए तो आपके पास आई हूं। सिद्धार्थ धनराजगी के पास नहीं गई। आपको क्या लगता है, मैं उसे 10 गुना ज्यादा नहीं ले सकती? दिस इज माई बैंक अकाउंट नंबर। Oh, sorry for the interruption. All yours. Speculations over opening up the cement sector and allowing foreign companies to take controlling stakes in cement production has been deferred indefinitely. Tej Raj Tandon, MD Delhi Cements and President of the Cement Manufacturers of India, presented a file leaked from the Cabinet Minister's office. Sir, ye khabar aaj din bhar TV mein dikhaya ja raha hai, sir. Sir, Dhanraj Gir Group par sankat ke badal. Cement sector mein videshi nivesh par filhal sarkar ne rok laga di. Ek press conference mein दिल्ली सीमेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर देशराज टंडन ने वित्त मंत्रालय से एक लीक फाइल को दर्शाते हुए बताया। टंडन के पास ये खबर किसने पहुंचाई? सांठगांठ ने एक बार फिर जनता को चूना लगने से बचा लिया। पापा मैं खेल समाचार इस प्रकार है, पता लगाता हूँ। इस ऑफिस में या तो किसी के कान है या तुम्हारी जुबान फिसलने लगी है। गिव मी 24 आवर्स। पापा 24 साल में तुम मुझसे ठीक से बोलना नहीं सीख पाए हो और 24 घंटे में तुम क्या कर लोगे? राजदेव, तुम पता करो। शटर! अगर तुम पता करो। श्योर। I should have guessed. तुम्हारे अलावा हो भी कौन सकता था? You know, you're not all that smart. तुम ढीठ हो, ये मुझे पता था, लेकिन बेवकूफ भी हो, मुझे अंदाजा नहीं था। एक बात ध्यान से सुन लो सिद्धार्थ धनराजगीर, औरत अपनी इज्जत बचाने के बजाय बेचने पर आ जाती है तो फिर वो किसी भी आदमी को खरीद सकती है, चाहे वो सिद्धार्थ धनराजगीरी क्यों ना हो। चूहिया के दांत शेर के दांतों से तेज होते हैं,
लेकिन ताकत तो पंजे में होती है। क्यों, सिर्फ आवाज आई या कुछ समझ भी आया? सिर्फ इरादा और पक्का हो गया। थैंक्स। This is it. Vicky, this is my new farmhouse. Surprised? Come. Let me show you my living room. This is my bathroom. Nice? Hmm? And this is my deck. And Vicky, I always wanted a swimming pool. कैसा है? बदला लेने के फायदे बहुत होते हैं। ये घर तुमने खरीदा है कि गिफ्ट दिया है किसी ने? सीधे सीधे बोलो ना कि इतना पैसा मेरे पास आया कहाँ से? तो बता दूं। एक्चुअली रहने दो, शायद तुम्हें बताने में कोई हिचक न हो पर मुझे सुनने में होगी। वेलकम सर। मेजर ध्यान से देख लो इसको, इस लड़की की हर सांस हर आस सुननी मुझे। मेजर मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसी इस लड़की पे 24 घंटे की निगरानी रखे। ये कहां जाती है, किससे मिलती है, इसके घर कौन कौन आता है और अंदर क्या क्या होता है, सेकंड सेकंड की डिटेल चाहिए मुझे। ब्यूटीफुल गर्ल सर, क्या नाम है इस मुसीबत का? काव्या कृष्ण। बताओ सही। ना ना ठीक है, बिल्कुल ओके है, क्लैरिटी है ना।
beautiful bitch. You'll be finished. Vijay Shastri, let's leave. हेलो, मुझे याद करूं या कुछ और? सर वो आज संडे है तो लंच पे जा रहा था फैमिली के साथ. सर, हाउ बोरिंग. मेरे पास आ जाओ, मेरे घर. एक साथ वाइन पियेंगे, स्विमिंग करेंगे और एक लव गेम खेलेंगे. इन माय पूल सिर्फ और मैं. आ रहे हो ना? नो प्रॉब्लम सर. मैं लंच कैंसिल कर देता हूँ सर. नो प्रॉब्लम, मैं आता हूँ सर. आई विल बी देयर. ओके, बाय. सॉरी आई. ये सर शर्ली का शॉर्ट फॉर्म है या सिमरन का? क्या कह रही हो तुम? हमें पता है यह आपकी गर्लफ्रेंड का फोन था. तुम पागलों जैसी बात करी हो अर्चना. हमारी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है राज. आप किसी औरत से मिलने जा रहे हो और ये हमें पता है. मैं मीटिंग में जा रहा हूँ. ओके, और थोड़ी देर में आ जाऊंगा. हमें पता है आप थोड़ी देर में आ जाओगे. क्या हो गया है तुमको? ट्रस्ट मी, अगले संडे चलेंगे ना लंच पे. प्रॉमिस. खाना खा लेना. एंड डोंट फॉरगेट द मेडिसिंस, वेरी इंपॉर्टेंट. टू अस. मुझे कुछ कहना है आपसे. ओके. घर में अगर कॉकरोच भर जाए तो हम उन पे जहर स्प्रे करके घर साफ कर लेते हैं. करेक्ट. इस शहर में भी बहुत कॉकरोचेस हैं और उनमें से एक है आपका बॉस सिद्धार्थ धनराजगीर. उसको खत्म करने के लिए मैंने आपका इस्तेमाल किया है. What? उसे बदला लेने के लिए मैंने आपका यूज किया है राज. आपके फोन से सब ईमेल्स कॉपी किए. देशराज टंडन को भी मैंने सब इंफॉर्मेशन दी थी सिमेंटिक की डील रोकने के लिए. रुको राज, रुको रुको. वेट, लिसन टू मी प्लीज. अब
I'm sorry. मैंने खुद तुम्हें बुला के सब सच बता दिया. I'm really sorry. मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूँ. माफी? माफी? तुम क्या समझती हो? मैं कोई कीड़े मारने वाला स्प्रे नजर आता हूँ. नहीं राज, नहीं. It's not that. Listen to me. Listen. Listen. अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें सच क्यों बताती? मैंने तुम्हें सच इसलिए बताया क्योंकि जो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी बातों में तुम्हारी बाहों में महसूस किया वो आज तक किसी के साथ नहीं किया. I'm sorry. और आज दिल की बात बताने से पहले दिल से सच बोलना जरूरी था. दिल से स्टॉप. शट अप राज. सिद्धार्थ साहब, लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया है. राजदेव, यू बास्टर्ड, फकिंग रैट. सिद्धार्थ साहब, क्रिकेट टेलीकास्ट भी 6 सेकंड डिलेट होता है. ये तो एकदम लाइव है, फ्रेश एंड हॉट. सिद्धार्थ साहब, हमारा काम खत्म. अब आप देख लो क्या करना है इस छछुंदर का. कुछ मत करो मेजर, अभी कुछ मत करो. इसका मिडलाइफ क्राइसिस हमारा क्राइसिस सॉल्व कर सकता है. लगे रहने दो इस छछुंदर के सर पे ये चमेली का फूल. इसी हरामजादे के हाथों इस कली को अब धीरे धीरे से मसलेंगे हम. राइट. और पूरी दिल्ली जानती है कि दिल और बिजनेस के मामले में मुझे कोई नहीं हरा सकता. Yeah. कोई नहीं. थैंक यू मेजर, यू मे लीव नाउ. गुड नाइट सर. पापा, बायोडाइवर्सिटी पार्क डैम प्रोजेक्ट के टेंडर के लिए हमारा फाइनल फिगर है 3,900 crores. दिल्ली सीमेंट्स के टेंडर की कॉपी है हमारे पास, वो 4,000 crores कोट कर रहे हैं. Are you sure of the figure, sir? Yeah, 4,000? Yeah. It's a confirmed information. Yeah. Rate अच्छा है. This is our big comeback, Papa. ऐसे कौन से प्रोजेक्ट में बिजी हैं आजकल? तुम्हारे बिना कहीं भी दिल नहीं लगता है, इवन ऑफिस. आप मुझे प्यार नहीं करते. होठों से, हाथों से, हाँ, लेकिन दिल से नहीं. सिद्धार्थ धनराजगीर की वफादारी ज्यादा प्यारी है या मेरे लिए प्यार? सीमेंट टेक का नया प्रोजेक्ट क्या है? चल. अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो सीमेंट के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं? क्यों? क्या क्या है नया प्रोजेक्ट? क्या है नई डील? बताइए, बताइए ना. कुमाऊं के
बायोडाइवर्सिटी पार्क में डैम बन रहा है। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। आपका बॉस बहुत बुरा बिजनेसमैन है राज। मेरे होते हुए ये टेंडर तो क्या, उसे कोई भी टेंडर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिल्ली समन्स को भेजी है वो सिद्धार्थ धनराजगिर के फरिश्तों को भी नहीं मिल सकती है। जो डैम बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा है पत्थर का, सिर्फ 1500 करोड़ का पत्थर लगने वाला है जो उस पार्क में फ्री में मिल सकता है। 200 करोड़ मिनिस्टर लेंगे, 1800 करोड़ का फायदा। अब अंदाजा लगा लो दिल्ली सीमेंट्स का नया बिड क्या है। पूछ उसे दिल्ली सीमेंट्स की बिड क्या है, पूछ। कम ऑन यू बास्टर्ड, आस्क हर। क्या है दिल्ली सीमेंट्स का बिड? 3300 करोड़। यस। पापा, अब हमारा बिड 3200 करोड़ है। अगर हम मिनिस्टर को 400 करोड़ भी देंगे तो 800 करोड़ का प्रॉफिट है। आर यू श्योर? एब्सोल्यूटली पापा। देखिए, अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत मिलता है तो चलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं ये राजनीति छोड़कर समाज सेवक बन जाऊंगा। ठीक है, जय हिंद। कुमार साहब, हाउ आर यू? दुआ है मल्होत्रा साहब। बैठिए, कहिए। मल्होत्रा साहब, बायोडाइवर्सिटी पार्क में डैम बन रहा है, 400 करोड़ का कट है आपका। लुक कुमार साहब, वहां बांध आप बनाए या कोई और, हमें तो बस डेवलपमेंट से मतलब है। हाँ मिश्रा जी, बताइए कहाँ साइन करूं? यहां पर साइन चाहिए। चेक किया ना? चलिए। मल्होत्रा साहब एक मिनट जी। 400 करोड़ इसलिए कि डैम के कंस्ट्रक्शन पे सारा पत्थर जो लगेगा वो उस पार्क में मौजूद है। समझता हूं, मैं फोन कर दूंगा। आपको फंड्स कैसे देने होंगे ये मिश्रा जी आपको समझा देंगे। ठीक है मल्होत्रा साहब, पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे। ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग यू कुमार साहब। थैंक यू। हाँ भाई मिश्रा जी, ये खत्म करें। थैंक यू सर। पापा को 400 करोड़ बहुत ज्यादा लगे लेकिन मुझे बहुत कम। बिजनेस और पॉलिटिक्स में मर्यादा पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ मुनाफा ही नहीं है, मेरी इज्जत का सवाल है, चुनौती है मेरे लिए, और मैं हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज कीप दैट इन माइंड। पापा, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। I just signed the papers. सिद्धार्थ धनराजगीर, यही कैमरास लगाए थे ना तुमने मेरे घर में 24 घंटे मुझे फॉलो करने के लिए? I fuck those who fuck with me. तुम ही से सीखा है मैंने। जो 400 करोड़ तुमने मिनिस्टर को दिए वो तो गए, साथ में 1600 करोड़ और, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पार्क में तुम्हें एक रुपए का भी पत्थर नहीं मिलेगा, क्योंकि राज
मैंने तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को ऑलरेडी भेज दिया है, अब क्या कहोगे अपने पापा से? पापा fucked up? Fucking bitch! Fuck! Sir, आपके पास matches है? Sorry, मैं सिगरेट नहीं पीता. काव्या कृष्णा. हाँ? आपके नाम गिरफ्तारी का ये वारंट है. मेरा जुर्म क्या है? कुंवर राजदेव का मर्डर. कैसे? ये तो आप ही बता सकते हो. थाने जाके चले. ऐसे ही चलूं या कुछ पहन लूं? नहीं, थोड़े कपड़े पहन लोगे तो ठीक रहेगा. कुंवर राजदेव सिंह ने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ, ये बहस अलग है माय लॉर्ड. लेकिन ये बात तय है कि मेरी क्लाइंट काव्या कृष्णा को इसमें फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि ये वही काव्या कृष्णा है जिन्होंने सीमेंट इन्फ्रॉड जस्टिस एलके शुक्ला के ब्राइबरी केस को एक्सपोज किया था. उस वक्त के सीईओ को रिजाइन करना पड़ा और इस वक्त के सीईओ को मौत के घाट उतार दिया गया माय लॉर्ड. दैट्स ऑल योर ऑनर. आई सर, मैं मानता हूं कि मिस्टर राजदेव सिंह ने सुसाइड किया है, लेकिन ये सुसाइड उन्होंने खुद अपनी मर्जी से नहीं किया है. और इस बात को साबित करने के लिए मैं अदालत के सामने राजदेव सिंह का लिखा हुआ ये सुसाइड नोट और ये डीवीडी पेश करने की इजाजत चाहता हूँ. इजाजत है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने कावे जैसी लड़की के बहकावे में आकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद कर दी. अब कावे मुझे ब्लैकमेल करने लगी है और शादी के लिए मजबूर भी कर रही है. इन हालात में मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ. गॉर्जियस. ये चिट्ठी और तमाम सबूतों के आधार पर और पुलिस की तहकीकात तक ये अदालत काव्या कृष्णा को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर जेल जाने का निर्देश देती है. द कोर्ट इज एडजर्न.
क्या सोच के तुमने ऐसे सीईओ को हायर किया? पापा वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता हमको क्या पता? पता करो सिड, पता करना जरूरी है। 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी चला रहे हो तुम, दूसरों की पर्सनल लाइफ तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ को खत्म कर सकती है, अंडरस्टैंड? और हाँ, ये लड़की काव्या कृष्णा, ये वही है ना जिसने सीमेंटिक इंफ्रा पर स्टिंग ऑपरेशन किया था? पता नहीं, शायद, आई डोंट नो। ये जो सब हो रहा है, एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट, गलत इंफॉर्मेशन, राजदेव का सुसाइड, काव्या कृष्णा का अरेस्ट, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए? नो पापा। तुम्हारी स्टैमरिंग बढ़ गई है। फिर भूतपूर्व पत्रकार सेक्स स्कैंडल में फंसी, ये सब अफवाहें हैं, सबूत हैं। अब तो पूरा दिल्ली शहर आपको नंबर वन की प्रोस्टिट्यूट कह रहा है। अपने बचाव में ही कुछ कह दो, आपकी मदद को तो कई खड़े हो जाएंगे। मेरी मुश्किल सिर्फ इतनी है कि मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ, झूठ बोलूं या नहीं, क्योंकि सच बोलूंगी तो वो लोग जिनके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो सब जेल में होंगे। ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास इसीलिए तो रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कहना है आपसे, सुनेंगे? पॉलिटिक्स का बिजनेस और बिजनेस की पॉलिटिक्स, दोनों अजीब है, कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। वो यहां नहीं आ सकती और मैं वहां नहीं जा सकता, तो कैसे मिले इस मोहतरमा से? मंत्री जी, राजनीति में हमेशा एक बीच का रास्ता होता है। राजनीति दुनिया का दूसरा सबसे पुराना धंधा है, पहला तो आपको पता ही है। आपसे मिलकर मैं ये तो समझ गया कि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। थैंक्स। फरमाइए। पूरी दिल्ली कह रही है कि मैंने राजदेव सिंह को मार दिया है, लेकिन इस मौत का तार जुड़ा हुआ है उस 400 करोड़ रुपए से जो आपने सीमेंटिक को डैम का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए घूस में लिए थे। As far as I'm concerned, आप बकवास कर रही हैं। अगर सारा शहर एक ही बकवास करने लगे तो झूठ भी सच हो जाता है। अब ऐसा कौन सा झूठ है जो सच होने जा रहा है? जो राजदेव ने मुझे बताया था आपके बारे में मरने से एक रात पहले। मेरे बारे क्या बताया था?
उन्होंने कहा था कि आप और सिद्धार्थ धन राजगीर मिले हुए हैं, चोर हैं, करप्ट हैं, देश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं कमीने। उन्होंने ये भी कहा था, मेरे पास सबूत है और मैं इनको एक्सपोज करूंगा। एक मिनट, सबूत? कैसा सबूत? सबूत ढूंढने के लिए तो ओपोजिशन है, मीडिया है, सीबीआई है। मुझे तो बस कोर्ट में जाके वो सब कहना है जो राजदीप ने मुझे कहा था। दिल में आपके मेरे लिए हमदर्दी की कोई तो वजह होगी। यही कि हम दोनों जेल में साथ होंगे या बाहर। ये आपके हाथ में है। बस आज की रात, कल आप रिहा हो जाएंगी। थैंक यू। आप बड़ी शातिर हैं, कमाल का इस्तेमाल किया है मुझे। लेकिन आप शातिर नहीं है। मतलब? मतलब कि आज तक आपने मुझे यूज नहीं किया। Try me. Trying is so much harder than just doing it. So tell me, कहां से शुरू करें? अगर आप चाहें तो इसे उतार के उस पुलिस फाइल जिसमें मेरा नाम है कवर कर सकते हैं। आपने इतना अनकवर कर दिया है कि अब कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर सब कवर ही रहने दीजिए मिनिस्टर जी। आप मेरा इतना छोटा सा भी काम नहीं कर सकते। मेरे हाथ में नहीं है वो। तो फिर मैं भी आपके हाथ में नहीं हूँ मिनिस्टर जी। डन। प्रॉमिस। एक खुशी है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हो। क्या? बचपन से मुझे बैंक में काम करने का शौक था। आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हो, मुझे बैंक में डायरेक्टर के पोस्ट में नॉमिनेट कर दो। एंड देन आई एम ऑल योर्स। दैट इज बियॉन्ड माय पावर। ओह, आई थॉट यू द मोस्ट पावरफुल मैन इन दिस कंट्री। लड़की हो तुम। द नेम इज IIBI बैंक। आई सी व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। IIBI बैंक, मुझे नॉमिनेट कर दीजिए डायरेक्टर के पोस्ट में। ओके, आई डू इट, इट्स डन। Good morning, members. Good morning, gentlemen. सब members आ गए हों तो शुरू करें। Where is Mr. Khosla? Sir, IIBI Bank के nominee Mr. Khosla ने कल resign कर दिया। उनकी जगह कोई नया member आ रहा है sir। कौन है नया member? Sir, ministry से अभी fax आया था, तो उन्होंने नाम mention नहीं किया। Okay. Let's start, yeah. Good morning, gentlemen. I am Kavya Krishna from IIBI. Hi Kumar.
कहाँ बैठूं मैं? This is what the hell are you doing? This is my board. Get out. Sit. Sit. Kumar, where do I sit? Miss Kavya Krishna, please. Hello, gentlemen. Okay, members. The first point of agenda is... Kumar, all this can wait. Gentlemen, mere paas kuch points hain. What the hell are your points? Huh? Sid. अगले हफ्ते एनुअल जनरल मीटिंग है और मुझे कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं. यू नो आई हैव जॉइंड टुडे इटसेल्फ. सो मुझे कंपनी अकाउंट्स के पासवर्ड्स, बैलेंस शीट्स और सब फाइल्स के एक्सेस चाहिए. व्हाट? मुझे अभी चाहिए. दिस इज रिडिकुलस. पापा, ये हमारी कंपनी है, ये बाहर वाले आके हमें टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती है. सेड. कुमार, आई एम वेटिंग. Yes, Miss Kavya Krishna. Sure. Thanks. Jasleen, inhe jo bhi files, balance sheet, password chahiye, de do. Okay, sir. Next meeting tabhi hogi jab main sare papers study kar lungi. Kumar, I'll let you know when I'm ready. Sorry, gentlemen. Have a nice day. You too. Siddharth. हमारा एक सीईओ जेल में बंद है, दूसरा मर गया है. 1,000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हुआ है डैम प्रोजेक्ट पर, और आज मुझे दिल्ली की एक वेश्या मेरे पहले नाम से बुला रही है. किसको? तुम्हारे बाप को. अ प्रोस्टिट्यूट इज टॉकिंग टू कुमार धनराज गिर. बोर्ड की मेंबर हो गई है वो. आई एम आस्किंग यू सिद्धार्थ, कि वो इतनी दूर तक कैसे आई और क्यों? पापा, उसके स्टिंग ऑपरेशन के बाद उसको सबक सिखाना जरूरी था, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई और ब्लैकमेल करने लगी. आर यू अ ब्लडी इडियट? भेजा नहीं है तुम्हारे. This is the last time I'm telling you something. ध्यान से सुनो. व्यापार का कुरुक्षेत्र सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है सेठ, बदला लेने के लिए नहीं. तुम एक लड़की से लड़ाई में सब कुछ लुटा रहे हो. What the hell have you done? Why? I promise पापा, इस बार मैं ठीक कर दूंगा सब. एजीएम के दिन कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सीमेंटेक इंफ्रा खत्म होगी. मुझे 11 और कंपनीज भी देखनी है सिड. आई रियली होप माई सन, वट एवर यू आर सेइंग वैसा ना हो. Just see these papers. देखो, मुझे पता है इन पेपर्स में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो सिद्धार्थ को बर्बाद कर सकते हैं. And I want you to help me out, please. विकी, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? विकी, तुम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ रात क्यों नहीं गुजार लेती?
वो तुम्हें समझा देगा इन पेपर्स में क्या छुपा हुआ है। What? Vicky, wait, listen to me, damn it! क्या बोल रहे हो तुम? विकी, सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा, बट तुम तो जानते हो ना सच, यू नो मेरे साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था? एवरी टाइम इट्स अबाउट यू, और तो जैसे इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हाँ बहुत है मेरे जैसे, पर सब लड़ते नहीं। आई एम फाइटिंग। फाइटिंग व्हाट? तुमने अपने आप को बेच दिया। तुम भूल रहे हो विकी, मुझे बीच चौराहे नीलाम किया गया था। जी नहीं, वो आपकी चॉइसेस थी, उसके साथ नौकरी, उसके साथ प्यार, और अब उससे बदला। आपने मुझसे पूछ के कभी कुछ नहीं किया। मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूं। न्यू सिटी, न्यू पीपल एंड अ न्यू वर्ल्ड। हमेशा से लगता था कि तुम कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। कम से कम कह तो देते कि तुम जा रहे हो। तुम्हारी दोस्त हो विकी। दोस्त थी। तुम वो काव्या नहीं जिसे मैं जानता था, उसे तो मार दिया तुमने। हमारे बीच क्या बदला है विकी? हाँ सब कुछ। तुमने सिद्धार्थ के साथ साथ मुझे भी खत्म कर दिया, ब्रिक बाय ब्रिक। मैंने कैसे? बिकॉज आई लव्ड यू डैम इट। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब मैं तुम्हें प्यार करता था। जब तुम मुंबई गई थी उस दिन भी तुम्हें प्यार करता था। जब तुम वहां से लौट के आई तब भी प्यार करता था। जब तुमने मेरी घड़ी कचड़े की तरह उठा के फेंक दी तब भी तुम्हें प्यार करता था। जब तुमने हर उस आदमी के साथ रात गुजारी जो तुम्हें हेल्प कर रहा था तब भी मैं तुम्हें प्यार करता था। आज भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं, बस अब तुम्हें देखने का मन नहीं करता। आई कांट लुक एट यू एनीमोर। Just leave, Kavya. Just go. Leave me alone. राहों में चलते चलते बदला क्यों रास्ता? एक पल में दे गया तू सदियों का फासला। सपनों का मेरे मंजर दरारों से भरा। कुछ है जो दिल कांच सा तोड़िया, दिल कांच सा, दिल कांच सा तोड़िया। दिल टूटे तो जावे ना जोड़िया।
दो दिन से जाना पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि प्यार तो बार बार हो जाता है लेकिन दोस्ती बार बार नहीं होती, लेकिन सिर्फ आखिरी बार। बोलो क्या करना है? I'm finding this paper bit fishy. Have a look at it. में सीमेंटेक इंफ्रा ने पहला मिनी सीमेंट प्लांट खरीदा था। एक गांव है नया माजरा, वहां पर है। और इस साल का बिजली का बिल है 28 लाख रुपए। 2006 में उन्होंने एक पैकेजिंग प्लांट इंपोर्ट किया और बिजली का बिल है 42 लाख। ऑल फाइन टिल हियर। इसके बाद 2008 में सीमेंटिंग ने 2 मिनी प्लांट्स इंपोर्ट किए। बिजली का बिल 3 गुना होना चाहिए था लेकिन वैसा हुआ नहीं। बिजली का बिल 42 लाख से घट के 40 लाख हो गया। 2009 और 2010 में 3-3 प्लांट और इंपोर्ट किए। पर जानती हो बिजली का बिल घट के कितना हो गया? 4 लाख रुपए। You mean to say बिजली की चोरी हुई है? नहीं काव्या, ये सारे के सारे सीमेंट प्लांट सिर्फ कागजों पर। That means it's all a big scam. सारी सीमेंट फैक्ट्री सब कुछ ये सिर्फ पेपर पर ही है। अरबों रुपए की सब्सिडी और एक्साइज का घोटाला हुआ है। शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिला लेकिन सिद्धार्थ धनराजगीर के बैंक अकाउंट्स बढ़ते गए। हाँ, ये सारे फॉरेन अकाउंट्स, ये सारा पैसा, ये सब मॉरिशस से रूटेड है। और शेयर्स के प्राइस ये खुद बढ़ा कर रखते हैं। कम ऑन विकी, लेट्स गो। राजगीर का और एक फ्रॉड। बोर्ड है पर कोई फैक्ट्री नहीं। ये सिद्धार्थ धन राजगीर तिहाड़ में होगा जब ये न्यूज ब्रेक होगी। हाँ, कल एजीएम के बाद। मेजर शास्त्री, काव्या मेरे बोर्डरूम तक तो पहुंच गई है लेकिन एजीएम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सिद्धार्थ साहब, डोंट वरी, नहीं पहुंचेगी। ड्राइवर, ड्राइवर, अरे दोस्त का वीडियो देखा काव्या कृष्णा, बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है या तुम खुद ही समझ गई? एजीएम के आसपास भी नजर मत आना, समझी? और आगे क्या करना है और कैसे उसके लिए मैं अलग से फोन करूंगा। एंड वन मोर थिंग, इफ यू फक विद मी टुडे यू नो व्हाट आई विल डू। My dear shareholders, it gives me great pleasure to welcome you to the 7th annual general meeting of Cementec Infra. ये साल हमारा golden year साबित हुआ है। मुंबई की डील मेरे बेटे सिद्धार्थ ने फाइनल की है। उससे लाजमी है कि हम अपने shareholders को गिफ्ट दें। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है 1:1 बोनस and 50% dividend.
And now to present the auditor's report, I invite the managing director of Cementec Infra and my son, Siddharth Dhanrajji. Paper. Agent khatam hone tak haram zade ko zinda rakhna. Yes, sir. Uske baad. Chale. Okay, sir. Thank you. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. Aray, isko saale ko paani pila do. Jab tak AGM na ho jaye, isko saale ko zinda rakhna ja. विकी कहाँ हो तुम? काव्या, I'm fine. तुम एजीएम में जाओ. मैं ठीक हूँ. मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ. Don't be foolish. You go to the AGM. Are you sure? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. You go to the AGM. Thank you. Excuse me, Mr. Tanrajgir, पिछले साल इंडिया के बाहर जो आप कंपनी ऑपरेट कर रहे थे, what happened about it? Yes, we are very much on track. Government of Malaysia ने हमारे पैकेजिंग प्लांट को ग्रीन लाइट दे दिया है. अब Cementec Infra का टैग लाइन बिल्डिंग इंडिया नहीं बिल्डिंग एशिया होगा. और ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होंगी मिस्टर धनराजगिर? I can't see you. Yes, हम 3 नए प्लांट्स इंपोर्ट कर रहे हैं. और क्या ये कहना गलत होगा मिस्टर धनराजगिर कि ये तीनों सीमेंट प्लांट्स भी बिना बिजली के चलेंगे जैसे कि सीमेंटे के बाकी प्लांट्स चलते हैं? क्योंकि ये सब सीमेंट प्लांट्स सिर्फ कागजों पर हैं. मेरे पास Cementec Infra की सीमेंट फैक्ट्रीज के बिजली के बिल्स हैं. पिछले 4 सालों में जैसे जैसे इन प्लांट्स में प्रोडक्शन बढ़ता गया बिजली के बिल्स घटते गए. Here is the proof. Distribute, please.
इंडियंस को लूटने के बाद सिद्धार्थ धनराजगीर अब एशियंस को लूटने वाला है। ग्रेट। सॉरी जेंटलमैन, आई एम काव्या कृष्णा, बोर्ड मेंबर रिप्रेजेंटिंग आईआरबीआई बैंक। यस, काव्या कृष्णा, दिल्ली की एक मशहूर कॉल गर्ल। यस, और ये है सिमेंटिक इंफ्रा के मालिक सिद्धार्थ धनराजगीर, और ये है सिमेंटिक इंफ्रा के शेयर्स, इनके जैसे ये भी आज के बाद सिर्फ रद्दी के भाव बिकेंगे। और जो बोनस आपको मिल रहा है वो भी इनकी तरह कोई बोनस नहीं है, सिर्फ बोगस है। Shut up, just shut up! सिमेंटिक इंफ्रा सिर्फ एक नाम है, कोई इंडस्ट्री नहीं। ठीक जैसे सिद्धार्थ धनराजगीर एक फ्रॉड है, कोई बिजनेसमैन नहीं। ये नकली सबूत इकट्ठा करके शरीफों को बदनाम करती है, शरीफों को ब्लैकमेल करती है। अरे आप सब तो जानते हैं इसके बारे में। इसका कोई सबूत नहीं है तेरे पास, लेकिन मेरे पास सबूत है। सिद्धार्थ धनराजगीर, तू एक चोर है, एक किडनैपर है, एक मर्डरर है और एक रेपिस्ट है। सिद्धार्थ, नो। एक बार तुमने कहा था, आज मैं कह रही हूं, वन ऑल। कॉर्पोरेट फ्रॉड से पर्दाफाश के बाद सिमेंटिक इंफ्रा के शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से गिरने लगे हैं। सिमेंटिक इंफ्रा के शेयर्स 990 से लुढ़ककर पहुंचे 35 रुपए पर। सिद्धार्थ धनराजगीर की गिरफ्तारी अब किसी भी वक्त हो सकती है और शिट। कम ऑन पापा, फोन उठाइए, पापा फोन उठाइए। सर, पापा जी आ गए। पापा, अगर बदले की होली खेलोगे तो बदले के रंग में खुद भी भीग जाओगे। I really feel sorry for you, Sid. तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और किसी भी वक्त तुम गिरफ्तार हो सकते हो। पापा, प्लीज हेल्प मी, मैं ऐसे हारना नहीं चाहता। तुम हार चुके हो। इन पेपर्स पे साइन करो। कैसे पेपर्स पापा? मेरे बिजनेस और कंपनी से तुम्हारा रेजिग्नेशन। मुझे मजबूर होके बाकी सब कंपनी से तुम्हें बेदखल करना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे नाम के साथ जुड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। पापा, साइन द पेपर्स। Sign the papers. I said sign the papers. पापा, क्या इस जंग में रिश्तों की कोई जगह नहीं? नहीं, इस जंग में रिश्तों की कोई जगह नहीं। और ये मैंने तुमसे सीखा है सेठ। Thank you.
people who fuck with me. किसी की जिंदगी तबाह करने के लिए उन्हें जिंदा रखना बहुत जरूरी है. मौत तो तबाही से बचा लेती है. यही कहा था ना तुमने? ये घड़ी देते हुए तुम्ही ने मुझसे कहा था सिड, याद है ना? अब मेरा अच्छा वक्त शुरू हो रहा है. सच कहा था तुमने, क्योंकि तुम जैसे हरामजादे से बदला लेने के लिए वक्त ने ही साथ दिया है मेरा. पुलिस लिफ्ट से ऊपर आ रही है. काश काश मैं कोई न्यूज़पेपर में नौकरी कर रही होती. स्कूप है मेरे पास, सिद्धार्थ धनराजगीर बिहाइंड बार्स फॉर स्टीलिंग मिलियंस. शिट मैन, सैड सैड सैड. जस्ट गिव मी अ बुलेट. काव्या, गॉड डैमिट, जस्ट गिव मी अ बुलेट. काव्या, मिस्टर धनराजगीर, सीबीआई, यू अंडर अरेस्ट. काव्या, गॉड डैमिट, जस्ट गिव मी वन बुलेट, जस्ट वन बुलेट. Damn you, Kavya! जब तुम मुझे यहां से लेने आए थे तब सिड ने मुझे ऑफिस से बाहर निकाला था. आज मैंने उसको वहीं से बाहर निकाल दिया. आई फिनिश्ड हिम ब्रिक बाय ब्रिक. तुम रुको, मैं आ रही हूँ. मैं तुम्हारी पैकिंग में हेल्प कर देता हूँ ना. मैं नहीं चाहती तुम इस मकान में आओ. इस घर में मेरा कुछ है भी नहीं सिवाय एक चीज की.
Thanks for coming. पता है, इंतकाम बहुत खूबसूरत होता है। No. 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 Kavya. 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 मरे हुए लोग कब्र से नहीं डरा करते विकी।